Thank you.
करते तो इस तरह सभी का भी ध्यान दिया करें। बड़ी मेहनत से हमारे वॉलंटियर ने इसको बिठाया होता है। तो सुंदर प्रस्तुति यूला का बहुत बेहतरीन, ध्यान देना पड़ेगा। यह 12 मिनट का रखा है, बाकी बहुत बेहतरीन आप लोगों का प्रस्तुति। रामनी के अगर तैयार है तो रामनी वाले आए, और चगांव के तैयार है तो चगांव वाले आए। और उससे पहले हमारे आज के यहाँ पर अतिथि है BDC उपाध्यक्ष श्रीमती पदमणि, उनका हार्दिक सम्मान ग्राम पंचायत चगांव के द्वारा। मैं प्रधान आदरणीय श्रीमती कांता देवी से निवेदन करता हूँ कि उनका इस ग्रीष्म महोत्सव में ग्राम पंचायत चगांव के द्वारा आप सम्मान करें। उपाध्यक्ष BDC ग्राम पंचायत चगांव श्रीमती पदमणि, आपका आभार। आपने हमारे इस मेले को बेहतरीन बनाने के लिए और सुंदर बनाने के लिए एक समय दिया, आपका तहे दिल से आभार। अगली प्रस्तुति रामनी, और बहुत बेहतरीन प्रस्तुति रामनी का। तो इस मेले का यही मकसद है, देखिए कितना सुंदर ड्रेसअप है, कितना सुंदर परिधान है, हमारे कल्चर को यही अच्छा लगता है। गीत संगीत से पहले हमारा फोक डांस, तो फोक डांस के द्वारा ही हम यह बताना चाहते कि ही इस मेले के द्वारा अपने संस्कृति को बचाना है, अपने गीत संगीत को बचाना है, और अपने प्रकृति पर्यावरण सबको बचाना है। तो महिला मंडल रामनी, समय सीमा 12, और अंक दिए जाएंगे डांस के, ड्रेसअप के और गायकी के। तो अमित जी आप
शर्मा
इस रंगारंग कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए हमारे ग्राम पंचायत चगाव के बीडीसी उपाध्यक्ष ने सहयोग राशि दी है 5,000 रुपये। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के अतिथि पद्ममणि बीडीसी अध्यक्ष ग्राम पंचायत चगाव का, आपका दिल से तहे दिल से हम आभार प्रकट करते हैं, क्योंकि आपके दिए आपके द्वारा जो यहाँ पर अतिथियों के द्वारा जो भी सहयोग राशि दिया जाता है वो मेले में ही आपके मनोरंजन के लिए ही यहाँ पर खर्च किया जाता है। किसी भी इवेंट को बेहतरीन बनाने के लिए सहयोग की आवश्यकता होती है। हमारे पास इतनी बड़ी 1000 मेगावाट की पनविद्युत परियोजना है, हम उनके उनसे आश रखते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा सांप है, वो उल्टा हमसे ही आस रखता है, हमसे ही उम्मीद रखता है आप हमें ही दे दो। तो ऐसे कंपनियों से भी हमें सावधान रहना है, जो हमारे गांव के प्रति, जो पंचायत के प्रति, जो स्कूलों के प्रति, जो शिक्षा के प्रति, जो रोजगार के प्रति, जो स्वास्थ्य के प्रति कोई भी योगदान नहीं करता हो, उन कंपनियों को हमें बहिष्कार करना होगा और भविष्य के लिए हमें तैयार होना पड़ेगा, हमारे हक हकूक के लिए लड़ना होगा, क्योंकि हमारा जल, जमीन और जो हमारा सतलुज सब वो खा गया है। एक बार पुनः आभार प्रकट करते हैं हमारे आज के अतिथि आदरणीय पद्ममणि जी का। तो इससे पहले कि अगली प्रस्तुति हो, हम आभार प्रकट करते हैं ग्राम पंचायत चगाव का। इतना सुंदर प्रस्तुति, कहीं ना कहीं कमियां रहती है, कमियां हमसे भी होगी, आपसे भी बहुत कमियां हैं। बैठने का आपका सिटिंग प्लान नहीं है, खड़े रहने का आपका सिटिंग प्लान नहीं है, और हमसे भी कमियां हैं। हम मेले का सोच सकता है कहीं ना कहीं कमियां हो, फिर भी हमारे ग्राम पंचायत ने दिन रात मेहनत किया है कोविड के बाद पुनः इस मेले को सफल बनाने के लिए। आइए आज हम इनका सम्मान करते हैं, ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों का सम्मान करेंगे हमारे उपाध्यक्ष बीडीसी निचार द्वारा। तो मैं निवेदन करता हूं कि आप एक बार पुनः मंच में आए, जितने भी ग्राम पंचायत के यहां पर प्रतिनिधि है, प्रधान से लेकर सदस्य तक, क्योंकि पूरा गांव का दायित्व इनके ऊपर है, पूरा मेले का दायित्व इनके ऊपर है, हर जिम्मेदारी का दायित्व इनके ऊपर है। तो प्रधान कांता देवी, श्रीमती कांता देवी का इस आयोजन को एक बेहतरीन खूबसूरत आयोजन करवाने के लिए बीडीसी के द्वारा एक बेहतरीन जो यहां पर स्वागत किया जाएगा, तो आपका आभार प्रकट करते हैं। आप अगले साल इस मेले को, इस संस्कृति को और भी बेहतर बनाने के लिए एक अलग से, अलग सोच से सबको लेकर, महिला मंडल, युवक मंडल, अपने पदरामंग रजग्रामंग को ऐसे ही लेके चलेंगी, हम यही उम्मीद करते हैं। तो प्रधान श्रीमती कांता देवी, आपको मोमेंटो टोपी फटक देकर आदरणीय बीडी उपाध्यक्ष निचार के द्वारा स्वागत। और हमारे इसके बाद हमारे अगले जो इस मेले आयोजन में एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम किया, सिंगर से लेकर, व्यवस्था से लेकर, अतिथियों से लेकर,
खाने की व्यवस्था से लेकर पानी की व्यवस्था से लेकर एक एक चीज सुई से लेकर धागा तक इस मंच को बेहतरीन बनाने के लिए रात दिन इन्होंने काम किया। हमारे ओ प्रधान भूल जाता हूँ नाम, राजेश जी हमारे मामा जी लगते हैं, तो बड़ों का नाम लेने में दिक्कत होती है। तो राजेश जी आपका इस मंच में बीडीसी निचार द्वारा स्वागत, और आपका भी आभार प्रकट करते हैं कि अगली बार भी आप हमारे राजग्रामंग पग्रामंग अन्य अतिथियों को लेकर ऐसे ही चलेंगे और इस मेले को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने का प्रयास करेंगे। प्रधान राजेश जी का स्वागत बीडीसी विचार द्वारा, और इसके बाद पंचायत सचिव का काम आप तो जानते हैं, हर चीज का काम करना पड़ता है, लेखा जोखा से लेकर आपका जन्म पत्री से लेकर कुंडली से लेकर, कहने का मतलब पंचायत सचिव भी एक कुंडली बनाने वाला पंडित ही मानेंगे हम, लेकिन यहाँ पर मेले में बहुत बेहतरीन इन्होंने काम किया है और बेहतरीन इन्होंने जो है शासन प्रशासन से लेकर सबको इनको जोड़ने का प्रयास किया है। तो आदरणीय पंचायत सचिव रमेश चंद जी का आपका भी आभार प्रकट करते हैं। अगर आपका ट्रांसफर नहीं होता है यहीं रहते तो मुझे लगता है कि आप अगली बार बेहतर और इस मेले का आयोजन करवाने में आप हमारा सहयोग करते रहेंगे। और इसके बाद सदस्य, किसी भी घर में जब भी माता पिता के बाद बच्चे होते हैं, सदस्य होते हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहता है, तो इस मेले को और पंचायत के हर काम को बेहतर बनाने में सदस्य का बहुत बेहतरीन योगदान रहा है। तो आदरणीय श्रीमती गंगा देवी का यहाँ तहे दिल से बीडीसी सदस्य उपाध्यक्ष निचार द्वारा आपको भी मोमेंटो कदर टोपी देकर यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं आप लोगों की सदस्यता पंचायत से लेकर काम के समाज से लेकर हर वर्ग के काम के लिए आप लोग पंचायत का यूं ही साथ देते रहेंगे। श्रीमती गंगा देवी, और उसके बाद सदस्य आदरणीय श्रीमती सुंदर देवी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आप लोग हर वार्ड में अब अपने वार्ड में हर विषयों पर लेकर पंचायत के पास जाते होंगे, लेकिन मेले में आप लोग इस बेहतरीन और सुंदर बनाने के लिए आप लोग बहुत बेहतर प्रयास किया, आप लोगों का तहे दिल से आभार। और इसके बाद श्रीमती तारा देवी सदस्य ग्राम पंचायत चगाँव, आपका भी यहाँ पर तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं और इस मेले को सुंदर बनाने में आप लोगों का भी बहुत योगदान है। और तकरीबन मैं यहाँ देख रहा हूँ हमारे ग्राम पंचायत में महिलाओं की भागीदारी ज़्यादा है, तो इसके लिए ग्राम पंचायत चगाँव को बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं कि एक बेहतरीन, क्योंकि महिला घर चलाती है, महिला जो है समाज चलाती है। आप भी देखते होंगे घर में महिलाएं छोटे से लेकर हर चीज को सजग रखती है, तो ग्राम पंचायत में इनका भागीदारी होना बहुत बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात है। इसके बाद श्रीमती फूल कुमारी, आपका भी इस मंच में हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमेशा फूलों की तरह खिलते रहे और हमारे पंचायत को फूलों की तरह महकाते रहे और हमारे मेले में ऐसे ही शोभा देते रहे और ऐसे ही गरिमा बनाते रहे। ग्राम पंचायत चगाँव के द्वारा आपका बेहतरीन यहां पर काम के लिए स्वागत किया जा रहा है। श्रीमती कन्या देवी आपका भी ग्राम पंचायत चगाँव में बेहतरीन जो है हर काम के लिए, या मेले के लिए नहीं, आप गांव के हर काम के लिए अपने मेंबर में अपने वार्ड में जो भी गतिविधियां आप पंचायत के पास रखते हो, कन्या देवी आपका भी यहां पर स्वागत किया जा रहा है उपाध्यक्षा बीडीसी निचार द्वारा। तो विनोद कुमार जी का बहुत बड़ा योगदान है और इन्होंने
बहुत ज़्यादा जो इस मेले के लिए रात दिन काम किया है, रात दिन एक किया है और अपने वार्ड के लिए भी रात दिन एक रहते हैं। और मैं इनसे आपसे निवेदन करूँगा, आप टापरी का वार्ड ज़्यादा देखें, सफाई का वो ज़्यादा देखें। और मैं यहाँ जनता से भी निवेदन करता हूँ, मैंने टापरी का बहुत बारीकी से देखा, आप अपने एरिया में अपने गली मोहल्लों में जो है गंदगी बहुत रखते हैं, तो इसलिए ग्राम पंचायत से निवेदन करूँगा कि इनके लिए स्पेशल फाइन रखें और घर घर जाकर इनकी इंक्वायरी करें कहाँ कहाँ पर इन्होंने डस्टबिन रखा है या नहीं रखा है, चाहे वो मेरे की घर की बात हो या किसी की भी घर की बात हो, 1000 रुपये से नीचे किसी का जुर्माना ना रखें। क्योंकि आप देख सकते स्कूल से लेकर ऊपर स्कूल तक, टापरी से लेकर स्कूल तक जो गंदगी देखे है, हमको शर्म आनी चाहिए। उस रास्ते में बच्चे पढ़ने जाते हैं, शीशा फेंका होता है, कहीं से उठा उठा कर जो पीछे फेंका होता है। आप समय निकालें, इतनी बड़ी सतलुज नदियाँ हैं, आप जो है कच्चे जो 3 प्रकार के हमारे डस्ट होते हैं उसको अलग अलग रखें और उसको तरतीब से फेंकें। तो ये ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी नहीं है, ये आप सबकी हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अपने एरिया को कैसे जो है सुंदर बनाना है। तो इसलिए सबसे पहले आपका, अगर आप लोग जो है सही काम करेंगे तो आपको फाइन लगाया नहीं जाएगा। तो ये मैं पंचायत से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा, ये जो हमारा टापरी का ऋषिकेश से नीचे है, पुराने टापरी का एरिया में जितने भी हमारे जो किराएदार रहते होंगे या फिर हमारे मकान मालिक रहते होंगे, सबके गांव के निरीक्षण किया जाए और अगली बार जो एरिया मोहल्ला अच्छा रखता है उसको एक प्राइज भी दिया जाए, ये एक मैं आपसे अपील करूँगा इस महल में। तो चलिए विनोद कुमार जी के बाद हरिनाम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत जैसा नाम वैसा काम, हरि नाम। तो आप यूं ही हमारे पंचायत को जो है बेहतर बनाते रहे। तो हमारे उपाध्यक्ष बीडीसी निचार का इस मेले के लिए समय निकालने के लिए और सहयोग राशि देने के लिए आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं। अगली प्रस्तुति से पहले एक रचना सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने सफाई पर बात किया है तो थोड़ी सी रचना, क्योंकि संस्कार घर से ही शुरू होता है, तो इसलिए सभी को संस्कार। आज देखिए किस प्रकार से संस्कार से बैठे, इधर अलग से बैठे, उधर अलग से बैठे, उधर अलग से बैठे, तो ये संस्कार इस मेले के द्वारा थोड़ी सी एक दर्शाता है कि हमारा किन्नौर कितना संस्कृति और सभ्य स्वभाव में रहता है। तो छोटी सी रचना, संस्कार जन्म से हमारे भीतर होता है, यही संस्कार हमें जीना सिखाता है। संस्कार जन्म से हमारे भीतर होता है, यही संस्कार हमें जीना सिखाता है, लेकिन अब संस्कार मोबाइल व्हाट्सएप दिखाता और सिखाता है, लेकिन अब यही संस्कार हमें मोबाइल व्हाट्सएप दिखाता और सिखाता है, फेसबुक इंस्टा में दिखता है, सगे रिश्ते सब दूर है, फेसबुक इंस्टा में दिखता है, सगे रिश्ते सब दूर है, ऑनलाइन के रिश्ते नज़दीक है, जो हमारे आस पड़ोस के रिश्ते सब दूर है, ऑनलाइन के रिश्ते नज़दीक है, ऐसी संस्कार अब दिख रहे हैं कि भगवान का पोस्ट भी रोज जो है अपलोड होता है। अब आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, सुबह हर कोई डालता है गुड मॉर्निंग जी, कोई महेश्वर जी का फोटो डाल रहा है, कोई मंदिर का फोटो डाल रहा है। हम आपसे अपील करते हैं, जब भी आप, वैसे तो प्रथा ही नहीं रखी गुड मॉर्निंग का, नमस्ते, और दूसरी बात उस प्रकार का पोस्ट, भगवानों का पोस्ट कभी करना भी नहीं चाहिए। आप सुबह फोन उठाते हैं, आपका हाथ गंदा होता है, हम मंदिर में तो हाथ धो के जाते हैं और इधर आपका हाथ जो गंदा होता है, उधर भाई हमारे पोस्ट कर रहे होते हैं। आपके अंदर में भक्ति है, आपके अंदर में भगवान के प्रति प्रेम है, तो मंदिर में जाए, वहाँ पर आपको पूजा अर्चना कीजिए। तो ये छोटा सा, और मोबाइल व्हाट्सएप दिखाता और सिखाता है, फेसबुक इंस्टा में दिखता है, सगे रिश्ते सब दूर है, ऑनलाइन के रिश्ते नज़दीक है, ऐसे संस्कार अब दिख रहे हैं, भगवान की पोस्ट भी रोज यहीं हो रहे हैं, ना मंदिर जाओ ना गुरुद्वारा, सारे भगवान अब यहीं पोस्ट हो रहे हैं, सारे भगवान यहीं पोस्ट हो रहे हैं। कहाँ गए वो सारे और वो प्यारे बच्चे, कहाँ गए वो सारे वो प्यारे बच्चे जो गांव के मैदान में खेलते थे, नाना नानी के यहाँ ठहरते थे, जो सत्तू लस्सी दूध पीते थे, चुनखा दिल खाते थे, अब तो सभी मोबाइल गेम में व्यस्त है, सभी पिज्जा बर्गर चाउमिन थुपा खा रहे हैं,
तो ये संस्कार पर छोटी सी रचना, संस्कार जन्म से हमारे भीतर होता है, यही संस्कार हमें सिखाता है जीना और मरना। तो इसलिए बहुत बहुत आभार, आपने समय निकाला आप लोगों ने मेरी कविताओं के लिए। और इसके बाद अगली प्रस्तुति उर्दी, उर्दी या चगाव में से कोई भी तैयार है तो बोला, उर्दी और चगाव में से कोई भी तैयार है तो जो अपनी प्रस्तुति के लिए आए। और ऑर्केस्ट्रा बैंड से निवेदन करता हूँ कि समय के अनुसार आए, समय के अनुसार आज के हमारे इस आयोजन को बेहतरीन और सफल बनाने के लिए हमारे जो अतिथि महोदय है हिमाचल प्रदेश के वन उपाध्यक्ष आदरणीय सूरत नेगी जी हमारे बीच आएंगे और आपको आशीर्वाद देंगे और हमारे गीत संगीत प्रकृति के प्रति अपने शब्द रखेंगे। तो आइए, तो चगांव हमारे चार गांव से मिलकर बना है, तो चार गांव जब इकट्ठे होते तो बड़ा मुश्किल होता है एक दूसरे को संभालना। तो फिर भी हमारे पंचायत के जो प्रतिनिधि ने बड़े मुश्किल से चार गांव को संभाल के रखा है। तो आइए चगांव के हमारे आज के जो यहां पर प्रस्तुति करेंगे, सबको बताना चाहता हूं कि 12 मिनट का समय है और उसके बाद डांस ड्रेस और गायन ही देखा जाएगा। तो आप लोग इस आयोजन का आनंद लीजिए। रेडी, yeah।
सुंदर प्रस्तुति महिला मंडल हमारे चिराव के। और अगली प्रस्तुति से पहले डांस के हेलो, इस मेले को बेहतरीन बनाने के लिए आज की जो हमारे ऑर्केस्ट्रा टीम है उनका ग्राम पंचायत चिराव के द्वारा स्वागत किया जाएगा। हेलो चीफ, हेलो चीफ, हेलो 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 चीफ, तो सम्मान में हमारे आज के अतिथि जो हमारे ऑर्केस्ट्रा बैंड में है उनका ग्राम पंचायत चिराव के द्वारा सम्मान किया जाएगा। मैं ग्राम पंचायत चिराव से निवेदन करता हूँ वो मंच में आए हमारे प्रधान और प्रधान बीडीसी अध्यक्ष, आप हमारे आज के इस सांस्कृतिक कार्यक्रम में जो चार दिन से लगातार अपने उंगलियों का जादू दिखा रहे, अपने हाथों का जादू दिखा रहे, अपने दिमाग का जो यहाँ प्रयोग कर रहे हैं और आप जो बेहतरीन खूबसूरत संगीत को लेकर आ रहे हैं, तो हमारे बीच है कुकुपा जिनके सौजन्य से हमारे टीम आए हैं पीछे से, तो हम
हमारे म्यूजिशियन को फीलिंग पास का टैलेंट से आभार प्रकट करते हैं। पिछले कई सालों से हमारे इस स्टेज में म्यूजिक देते आए हैं। यह ऑर्केस्ट्रा में पहली बार इन्होंने एक बेहतरीन प्रयास किया है। इससे पहले कीबोर्ड के साथ ये आते थे। पूरे किन्नौर में नहीं, पूरे हिमाचल में ही जाना जाता है हमारे कोको फिलिप का। और बताना चाहता हूँ कि हम दोनों ने 10-12 साल इकट्ठे काम किया है कोको फिलिप का के लिए। जोरदार से तालियां, एक बार जोरदार से तालियां ऐसे कलाकारों के लिए। उसके बाद हमारे पीयूष जी जो गिटारिस्ट है और रामपुर से है, बहुत बेहतरीन गिटारिस्ट, आपका तहे दिल से आभार प्रकट करते हैं कि आप इस उंगलियों के द्वारा जो आप लोगों को यहाँ अपनी कला दिखाते हैं संगीत में, माता सरस्वती की वंदना को आप दिखाते हैं, आपका आभार प्रकट करते हैं। आप हर मंचों में अपना यूं ही प्रयास रखें, अपने गीत संगीत के दोनों को यूं ही आप प्रसार प्रसार करते रहे। पीयूष जी आपका ग्राम पंचायत चुनाव की ओर से। उसके बाद ढोलक पवन नेगी जी, पवन नेगी के साथ मैं 4-5 सालों से परिचित हूँ। बेहतरीन ढोलक मास्टर और बेहतरीन हिमाचल से बाहर हर स्टेजों में समर फेस्टिवल हो गया, दशहरे के मेले हो गए, ऐसे कई मेले हमें ये सभी ऑर्केस्ट्रा टीम आपको दिखाई देंगे। और पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद हमारे ऑक्टोपैड पर है नितिन भूषण जी, ये भी रामपुर से है और बहुत बेहतरीन, बहुत सुंदर, बहुत प्रयास अपने डंडों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने दिमाग के द्वारा। और हमारे तबला पर, बगैर तबला पर, जबकि मैंने कहा कि कुकू जी को तबला जरूरी है तो इन्होंने कहा तबला भी जरूरी है, तो बहुत मीठा आनंद आ रहा है तबला के साथ। हमारे बीच में अगर साउंड की तकनीकी दिक्कत हो तो अगली बार हम और बेहतर प्रयास करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे तबला पर सुरजीत एस के रामपुर से, सभी के लिए जोरदार से तालियां, ताले में कंजूस ना करें। बेहतरीन बनाने के लिए ग्राम पंचायत चरणों का जिन्होंने सहयोग किया, हमारे वॉलंटियर, उनके बिना ये मेला बिल्कुल एक असमर्थ था, क्योंकि एक एक हाथ से, एक एक पांव से जोड़ कर मेला बनता है। तो चलिए, अगर डांस का एक नाम आ रहा था, अभी फिलहाल हमारे टीम नहीं है, डांस का नाम आ रहा था, अगर हमारे पास वो डांस वाली टीम उपस्थित है तो ठीक है, नहीं तो हमारे पास अभी ट्विंकल जी कहीं डांस के लिए बोल रहे हैं। ट्विंकल, और ये जो रो है बैठने का, आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा या उठना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं से, या फिर थोड़ा थोड़ा इकट्ठे इकट्ठे बैठना पड़ेगा, हल्का सा।